दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल आइकन दबाना मत भूलिए दोस्तों, बेल आइकन। नमस्कार, देखिए एक हम करंट अफेयर्स पूछते हैं इस टेस्ट सीरीज को शुरू करने से पहले, आपको पता होगा तो मेरा आज का जो सवाल है आपसे यही है कि भाई उस शख्स का नाम बताइए जिन्होंने झारखंड के अंदर जो अभी झारखंड के रांची के अंदर जो अभी चल रही है जूनियर नेशनल एथलेटिक्स में एक प्रतियोगिता चल रही है, कहाँ पर, झारखंड में, ठीक है, वहां पर ये जो प्रतियोगिता चल रही है उसके अंदर नेशनल रिकॉर्ड बनाकर एक गोल्ड मेडल जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी का नाम आपको बताना है और वो कहाँ के हैं ये भी आपको बताना है, ठीक है, और उन्होंने कितने मीटर तक ये जो है हैमर फेंका था ये भी आपको बताना है। इसका मैं आंसर है जो मैं आपको बीच में या लास्ट में कहीं पर भी दे दूंगा, लेकिन आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। अगर जो ये लास्ट तक वीडियो देखेगा ना उसको तो 100% इसका एग्जाम के अंदर फायदा मिलने वाला है दोस्तों, और बाकी जो बीच में छोड़ देंगे उनके लिए सिर्फ टेस्ट है दोस्तों, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि जैसे ही ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे उसके बाद में आपको इन सारे क्वेश्चनों का विवरण भी बताया जाएगा, विवरण के अंदर भी 2-3 क्वेश्चन और अलग से बता दिए जाएंगे हर क्वेश्चन के, तो इसे देख सकते हो आप कम से कम 50 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलने वाले। आपको पूरा वीडियो देखना है दोस्तों, ये आपको क्षमता बढ़ानी होगी, अगर आप ये अपने खुद से अगर आप वादा नहीं कर सकते कि मैं ये कर सकता हूँ, अगर आप खुद से ये वादा नहीं कर सकते कि मैं ये पूरे दिन में ये इतना पढ़ाई में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अगर आप उस नियम का पालन नहीं करोगे तो इसका जो घाटा इसका नुकसान है वो आपको 100% होने वाला है। मैं वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ी अलग बात कर रहा हूँ, अगर आपने अगर खुद से वादा नहीं किया कि मैं इतने एक दिन में इतनी मुझे पढ़ाई करनी है तो करनी है, मुझे इतना खाना खाना है तो खाना है, इतना सोना है तो सोना है, अगर आपने ये मन में ऐसा विचार करके अगर उसका पूरा अगर नियम के रूप में उतारा नहीं, अगर उसका पालन उस नियम का पालन नहीं किया तो फिर इसका आपको 100% नुकसान होगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में, यानी कि शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है 2009 का, उसमें एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह ने कितने निर्धारित किए गए, कितने घंटे प्रति सप्ताह कार्य निर्धारित किया गया है, तो इसके अंदर आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपको सोचना पड़ेगा, इसके अंदर सोचना 40 है या 45 है या 50 है या 55 है, तो इसका आंसर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, इसका आंसर होगा 45 घंटे। इसका जो विवरण है वो लास्ट में हम बताएंगे। निम्न में से कौन सा एक सही है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक सही है, ठीक है, इनमें से आपको ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। अभी मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन कि भारत की स्वतंत्रता के पूर्व विभिन्न स्काउट के समूहों के एकीकरण की असफलता का मुख्य कारण प्रतिज्ञा उपवाक्य था, हमारे नेताओं ने राजा की स्वामी भक्ति को स्वीकार नहीं किया, उसके स्थान पर उन्होंने, अब इनमें से जो आपके ऑप्शन है वो आप खुद पढ़िए और इसका आंसर आप बताइए। ये देखिए ये जो वापस पढ़ सकते हो आप, अगर ऊपर लिखा हुआ लाइन ये जो इसको पढ़ोगे तभी इसका आंसर आप दे पाओगे, और इसमें पूछा था कि कौन सा एक सही है, हाँ इनमें से एक कौन सा सही है ये आपको बताना था। तो दोस्तों आपने सोचा होगा और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं कि जनता के प्रति स्वामी भक्ति का सुझाव। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं उसकी ओर, क्योंकि विवरण मैं लास्ट में बताऊंगा। तो ये दोस्तों आपका जो तीसरा क्वेश्चन है कि राज्य सरकार ने जो है वर्ष 2010 में सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया था, तो ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना था दोस्तों। अगर आपने सही तरीके से इसको सोचा होगा तो आप इसका आंसर बता सकते हो, और अगर आपको नहीं आता तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों इसका आंसर होगा ज्ञानोदय योजना, इसका जो विवरण है हम लास्ट में देखेंगे। लहर कार्यक्रम कौन सी कक्षाओं के लिए चलाया गया है, ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, यानी कि 1 और 2 लहर कार्यक्रम है जो पहली और दूसरी क्लास के लिए चलाया गया था, और इसके बारे में बाद में बताएंगे। देश के 125 आर्मी स्कूलों का प्रबंधन करता है, 125 आर्मी स्कूलों का जो प्रबंधन है, क्वेश्चन नंबर हम 5 पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना, जो प्रबंधन है वो कौन करता है दोस्तों। इसके अंदर आपको मैं बता देता हूं इसका आंसर होगा, देखिए इसके अंदर इसकी जो फुल फॉर्म है और इसके बारे में जो विवरण है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, AWES है जो इसके बारे में है ना, ये आर्मी ऐसा कुछ, ये पूरी पूरी जानकारी है जो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी है, इसके बारे में मैं लास्ट में आपको अंतिम समय में बताऊंगा। निम्न में से कौन सा संवैधानिक उपबंध प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा से जुड़ा है,
तो दोस्तों ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 28 है, 29 है और 343, ये सारे के सारे अनुच्छेद है जो इससे जुड़े हुए हैं अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, इनके बारे में है वो लास्ट में हम देखेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना कब से लागू हुई थी, ये 7 नंबर क्वेश्चन है अपना, कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना है जो कब लागू हुई थी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 2011 और 12 के अंदर। प्रारंभ में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर अपना 8 है, तो इसका आंसर होगा जयपुर के अंदर। और भिक्षावृत्ति एवं वांछित कार्यों में लगे लोगों के बालकों हेतु आवासीय विद्यालयों की योजना कब प्रारंभ की गई है, की गई थी, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ये 9वां क्वेश्चन है, तो इसका है 2008-09 के अंदर इस योजना को शुरू किया गया था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राज्य में किस स्थान पर स्थापित किया गया है, तो दोस्तों ये जो है जोधपुर के अंदर इस एम्स की स्थापना हुई है, ये ध्यान रखना दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है कि हिंदी भाषा के प्रसार एवं विकास से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, इनमें से आपको ये भी बताना है, हिंदी भाषा के प्रसार के विकास से संबंधित कौन सा अनुच्छेद इसके अंदर आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर प्रचार और प्रसार को लेकर जो अनुच्छेद आता है वो आता है अपना 351। 2014-15 में रीडिंग कैंपेन कार्यक्रम किन कक्षाओं हेतु चलाया गया था, तो इसका आंसर होगा कक्षा 1 से 8 तक। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा बीकानेर द्वारा आयोजित परीक्षा है, अब इसका आंसर आपको बताना था, शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा या फिर संगीत भूषण परीक्षा या पत्राचार शिक्षण प्रशिक्षण परीक्षा, प्रथम व द्वितीय वर्ष या उपयोग सभी, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना था दोस्तों। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन थे और एक मैंने आपको करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन पूछा था और उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। जो अपने राजस्थान के खिलाड़ी हैं उनका नाम है नितेश, ठीक है, उनका नाम है नितेश और वो है चूरू के। और अगर पूछा जाए कि कौन से खेल के अंदर, तो ये ध्यान रखना हैमर थ्रो के अंदर उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, 81 पॉइंट जो है 47 मीटर ये हैमर फेंक कर, ठीक है, ये भी आप अच्छी तरीके से इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये शुरुआत में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर के जितने भी एग्जाम है और जितने भी आपको टीचर के एग्जाम है उस सब के अंदर ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो हम अब इस क्वेश्चनों का विवरण देखने वाले हैं दोस्तों। अगर आप में से कोई ऐसा है कि भाई जिनको सिर्फ क्वेश्चन ही देखने थे, विवरण का कोई मतलब नहीं है, तो वो अब वीडियो को बंद कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पहला क्वेश्चन हमने पूछा था कि भाई शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य है जो कितने घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किया गया है, तो वो किया गया था 45 घंटे। अब इसके बारे में मैं बताऊं तो दो तीन बातें और ध्यान रख लीजिए कि भाई शिक्षक के जो कुछ कर्तव्य भी बताए गए थे कि एक तो कर्तव्य यह था ही 45 घंटों वाला, एक था विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय का पालन करना चाहिए शिक्षक को, और दूसरा एक था कि भाई जो पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना, ठीक है, ये भी इस शिक्षक का जो है कर्तव्य माना गया था। और ये जो पाठ्यक्रम वाला है वो धारा 29 की उपधारा 2 में, यानी कि 29 की उपधारा 2 के अंदर ये बात बताई गई थी कि वह शिक्षक को पाठ्यक्रम संचालित करना होगा और उसे पूरा भी करना होगा, ये बात है इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई। यहाँ पे एक बात पूछी गई थी कि भाई निम्न में से कौन सा एक सही है, इसके अंदर ये पूछा गया था भारत की स्वतंत्रता के पूर्व विभिन्न स्काउटों के समूह के एकीकरण की असफलता का मुख्य कारण प्रतिज्ञा उपवाक्य था, हमारे नेताओं ने राजा की स्वामी भक्ति को स्वीकार नहीं किया, उसके स्थान पर उन्होंने क्या किया, ये आपको बताना था। और साफ तौर पर लिखा हुआ था कि जनता के प्रति स्वामी भक्ति का सुझाव उन्होंने दिया था। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ और बातें मैं बता रहा हूं दोस्तों कि भारत की जो स्वतंत्रता है उससे पूर्व विभिन्न स्काउट के समूहों के एकीकरण की असफलता का मुख्य कारण प्रतिज्ञा उपवाक्य था, हमारे नेताओं ने राजा की स्वामी भक्ति के स्वीकार नहीं करके उसके स्थान पर जनता के प्रति स्वामी भक्त रहने का सुझाव उन्होंने दिया था, और ये सबसे अच्छी बात उन्होंने कही थी। अगला जो अपना क्वेश्चन था दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूं, अभी ये क्वेश्चन है कि भाई राज्य सरकार ने
वर्ष 2010 में सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर कौन सी योजना प्रारंभ की थी? तो हमने देखा था, इसका आंसर किया था ज्ञानोदय योजना। अगर ये आपने हमने ये पहले इसलिए देख लिया दोस्तों क्योंकि आप सबको पता होगा हम अब इन सब क्वेश्चनों का विवरण देख रहे हैं। तो भाई इसमें ये बात थी कि भाई राज्य सरकार ना ये जो पिछड़े विकास खंड है ना, पिछड़े विकास खंडों में सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर मॉडल स्कूल ज्ञानोदय स्कूल योजना का वर्ष है जो 2010 के अंदर ये प्रारंभ हुई थी। इसको भी आप वर्ष में ध्यान रखना, ये कब हुई थी ये भी आपको पूछा जा सकता है, ये भी आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। और ये कहाँ कहाँ शुरू की गई थी शुरुआत में, तो उदयपुर और अजमेर में ये ज्ञानोदय योजना ये शुरू की गई थी। अगला जो क्वेश्चन था अपना, लहर कार्यक्रम कौन सी कक्षाओं के लिए चलाया गया है, ये क्वेश्चन था अपना। और इस क्वेश्चन का आंसर था कि भाई पहली और दूसरी कक्षा के लिए। अब मैं इसका कुछ विवरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 6 से 14 जो आयु वर्ग के जो बच्चे हैं ना, उनके नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करने एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु कक्षा 1 व 2 के लिए ये जो लहर कार्यक्रम चलाया गया था। अभी हाल ही के कुछ कुछ जो कार्यक्रम होते हैं वो भी जरूर आप ध्यान रखा करें दोस्तों। और वैसे मैं आपको ना जो न्यूज़पेपर की जो करंट अफेयर्स की जो जानकारी होगी वो इससे ही क्वेश्चनों को लेके आऊंगा। अभी मुझे ऐसे कुछ क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहे हैं इसलिए मैंने बोले नहीं, इसीलिए मैंने आज एक खिलाड़ी का एक क्वेश्चन आपके सामने पेश किया था। जो अगला अपना क्वेश्चन था कि विदेश के 125 आर्मी स्कूलों का प्रबंधन है वो कौन करता है? तो देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है आर्मी, ठीक है, वेलफेयर, ठीक है, फिर है एजुकेशन और फिर है सोसाइटी। इसका पूरा नाम पहले देख लीजिए, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, इसका नाम आपको अच्छे तरीके से देखना है। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में कि भाई भारतीय सेना के जो कार्मिकों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए देश की विभिन्न छावनियों में, ठीक है, 125 मिलिट्री स्कूलों की स्थापना की गई थी। इन विद्यालयों का प्रबंधन किसके द्वारा? आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा किया जाता। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी थी। निम्न में से कौन संवैधानिक उपबंध जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा से जुड़ा हुआ है, कौन सा ऐसा जो अनुच्छेद है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा से जुड़ा हुआ है? अब दोस्तों आपको दिल थाम के बैठ जाना है, मैं खाली इनके बारे में ही नहीं बताऊंगा, जितने भी अनुच्छेद हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं उन सभी के बारे में हम देखने वाले हैं। अगर यहाँ से आपने ध्यान नहीं दिया, अगर आपने यहाँ से मुझे नहीं सुना, तो पक्का मैं आपको 100% कहता हूँ आप एग्जाम के जो होल एग्जाम आप देकर आओगे, बाहर बाहर आने के बाद आप जरूर पछताओगे। चलिए अब मैं आपको इसका कुछ विवरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, जैसे मैं बोलता जाऊँ अनुच्छेद लिखता जाऊंगा आपको समझते जाना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा, मैं अनुच्छेद बोल रहा हूँ 28(1), मैं बाद में लास्ट में पूछ भी सकता हूँ, ये अनुच्छेद वाला जो प्रश्न है मैं जरूर पूछूंगा। 28(1) क्या कहता है दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, जो राज्य सरकार के द्वारा पूर्णतः पोषित है यानी कि पूरी तरह से राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विद्यालय है ना, उनके अंदर कोई भी धर्म से जुड़ी हुई शिक्षा नहीं दी जाएगी। बस इसको आपको ध्यान में रखना है। 28(1) क्या कहता है कि भाई राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इसको याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। अगला आता है अपना अनुच्छेद 29(1), याद रखना 29(1), ये मूल अधिकारों के अंदर पढ़ते हैं हम, आपको पता होगा। इसके अंदर क्या बात कही गई है कि भारत का अगर किसी भी भाग में आप अगर रह रहे हो या फिर रहने वाला अगर कोई व्यक्ति है या फिर कोई विभाग है, उसको अपनी भाषा लिपि संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है ना। जैसे कि आप देख रहे हो, देखते हो कि भाई मदरसे होते हैं, वहां पे मुसलमानों के जो बच्चे होते हैं वो अलग ही अपनी भाषा में पढ़ते हैं, तो उनको अपने हिसाब से कुछ भी वो अगर आप चाहे तो वो अपनी मातृभाषा में कुछ भी अपनी भाषा के अंदर जो उनको कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि भाषा के लिए पढ़ा सकते हैं, बच्चे हैं जो उनकी वो कोई भी भाषा वो पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई जो हम पढ़ाएंगे वो पढ़ो, वो अपने जो जिस हिसाब से रूल चलाता है उसी के अंदर उसी के अनुसार वो पढ़ाते हैं। 29(1) कंप्लीट होने के बाद 29 आता है 2। 29(2) कहता है कि अगर राज्य के द्वारा पूर्णतः पोषित है या फिर राज्य के द्वारा कुछ अनुदान किसी विद्यालय को दिया गया है किसी भी नागरिक को, है ना, तो धर्म, प्रजाति, भाषा आदि के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। समझ रहे हो मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, मतलब कि उसको किसी भी आधार पर रोका नहीं जाएगा। अगर उस विद्यालय को राज्य कुछ अनुदान दे रहा है या फिर वो विद्यालय पूरा राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रहा है, तो उसके अंदर कोई भी किसी व्यक्ति को नहीं रोकेगा। और ये बात कहता है हमें अनुच्छेद 29
दो। अगला जो अनुच्छेद आता है वो आता है 30। बड़े ध्यान से सुनिएगा कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना से नहीं रोका जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि अनुच्छेद 30 कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना से कभी नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 30 कंप्लीट होने के बाद आता है अपना अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 ये कहता है कि संविधान लागू होने से 10 वर्ष की अवधि में 14 वर्ष की आयु तक के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाएगी। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि संविधान लागू होने से 10 वर्ष की अवधि में 14 वर्ष की आयु तक के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाएगी या राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। अगला जो अनुच्छेद आता है वो है 343। 343 अनुच्छेद क्या कहता है दोस्तों, बड़े ध्यान से सुन लीजिए कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राज्य भाषा होगी। देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की जो है राज्य भाषा होगी। अनुच्छेद 343 कंप्लीट। अनुच्छेद 350 इसके अंदर ए आता है और ये क्या कहता है, ये कहता है कि प्रत्येक जो राज्य या फिर पदाधिकारी है जो भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में दिलवाने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला आता है अनुच्छेद 351। 351 कहता है कि अभी जो एक क्वेश्चन भी आया था इसके ऊपर कि भी हिंदी भाषा का विकास एवं संवर्धन करना ये भाई संघ सरकार का या संघ का केंद्र का काम या केंद्र का प्रयास होगा। अनुच्छेद एक आता है 21 ए, जिसके क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर जीके के पेपर में पूछा जाता है कि भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चों या फिर 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो प्रदान करना, ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो प्रदान की जाती है उसका जो मूल अधिकार, ये उसका एक मूल अधिकार होगा 6 से 14 वर्ष के बालकों का, ये एक मूल अधिकार होगा, ये बात 21 ए कहता है। और अनुच्छेद 51 क्या कहता है कि भाई बालकों को शिक्षा प्रदान करना माता पिता का एक मूल कर्तव्य होगा, ये बात अनुच्छेद 51 ए कहता है। दोस्तों यहाँ पे अपनी बात है जो कंप्लीट होती है, ये मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया और जितने भी अनुच्छेद थे वो मैंने सारे बता दिए। 28 ए 1 है, 29 ए 1 है, ठीक है, ये सारे के सारे अनुच्छेद मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं हमने अपने जो प्रश्न था उसकी ओर। अगला क्वेश्चन था कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना है जो कब से लागू की गई थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया था 2011-12। इसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी बता देता हूँ कि भाई निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। उस 2009 के तहत जो अधिकार अधिनियम 2009 है उसके तहत 2011-12 से राज्य के 2 जिलों यानी कि जयपुर और अलवर, कहाँ, जयपुर और अलवर में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना प्रारंभ की गई थी। ये भी अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है, यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है। बाकी का जो विवरण होगा वो दोस्तों हम टॉपिक पढ़ेंगे तभी क्लियर होगा, ये आपको मैं अच्छी तरीके से बता देता हूँ। लेकिन कुछ एक जानकारियां जो आप यहाँ से पढ़ोगे ना वो आपको अच्छी तरीके से याद होगी, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन डायरेक्ट हूबहू पूछे जाएंगे, ये भी मैं बोल रहा हूँ कि प्रारंभ में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ था, तो ये मैंने इसका आंसर ये बताया था, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसकी स्थापना है जो 1 अगस्त, सुन लीजिए कान खोल कर, कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त अपने हुई थी 1957 को, 1 अगस्त 1957 को ये जयपुर में था इसका मुख्यालय पहले, और बाद में 1961 को कहाँ कर दिया, अजमेर में कर दिया। अगला क्वेश्चन था कि भिक्षावृत्ति एवं अवांछित कार्यों में लगे लोगों के बालकों हेतु आवासीय विद्यालयों की योजना कब प्रारंभ की गई, तो इसका आंसर मैंने ये बताया था, है ना दोस्तों। और बस इसमें दोस्तों ये कोटा में शुरू हुई थी, ठीक है, ये जो योजना है ये कोटा से शुरू हुई थी, इसमें इतनी सी बात आप ध्यान रखिए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स, ठीक है, एम्स में किस स्थान पर, जो ये एम्स की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो ये आपको बताना है, और इसका आंसर है दोस्तों अपना जोधपुर। ये जोधपुर शहर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना हुई थी और ये जो है 2012 से यहाँ पे शुरुआत हो गई थी इसकी, ठीक है। और हिंदी भाषा के प्रसार एवं विकास से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो इसका आंसर अब मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने सारे के सारे अनुच्छेद आपको बता दिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना ही चाहिए और मैंने अच्छी तरीके से वहां पे रुक के भी मैंने कहा था कि भाई इसका आंसर ये होगा।
और सत्र 2014-15 में रीडिंग कैंपेन कार्यक्रम किन कक्षाओं हेतु चलाया गया था? इसका आंसर दोस्तों मैंने आपको पूछा था कि भाई सत्र 2014-15 में जो ये रीडिंग कैंपेन है कार्यक्रम किन कक्षाओं हेतु चलाया गया था। तो ये है जो 1 से 8 तक की कक्षाओं के बालकों के लिए ये जो चलाया गया था। तो दोस्तों मैंने एक अच्छी तरीके से एक पूरा का पूरा विवरण है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।